हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड इन माय टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो आपका मैनेजमेंट क्वार्टर के अंदर आपका अफोर्डेबल के टावर होते हैं वो हमेशा नोन बाई वन पे क्यों होते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि जो मैनेजमेंट क्वार्टर होता है वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, जो मैनेजमेंट क्वार्टर के जो टावर होते हैं वो आपका डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अफोर्डेबल टावर। रीज़न बिहाइंड इट कि डैट दोनों का जो लेआउट होता है वो आपका डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट क्वार्टर का लेआउट थोड़ा अच्छा होता है, अफोर्डेबल का लेआउट थोड़ा सा आपका कम अच्छा होता है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ माय वन कंस्ट्रक्शन की, आपको यहाँ पे कॉस्ट समझनी पड़ेगी। जो कॉस्ट आती है माय वन कंस्ट्रक्शन की वो आती है आपकी 11,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आपकी बिल्डर को ज़्यादा महंगी पड़ती है एंड बिल्डर उसको जनरली वहाँ पर यूज़ करता है जहाँ पर आपकी फ्लोर की हाइट 20 से प्लस रहती है। नॉन माय वन के अंदर आपका इसलिए बिल्डर इसको यूज़ नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो टावर की हाइट रहती है 14 माले की बिल्डिंग रहती है। 14 माले की बिल्डिंग से मेरा मतलब है कि आपका वहाँ पे लोडिंग कम रहेगा। डेट्स द मेन रीज़न वहाँ पे बिल्डर आपका नॉन माय वन का यूज़ करता है, एश ब्रिक का वहाँ पे यूज़ करता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि डेट यार नॉन माय वन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको लेना चाहिए, बट इसमें एक कंडीशन है कि डैट अगर आप अफोर्डेबल में नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर नॉन माय वन कंस्ट्रक्शन। क्योंकि अफोर्डेबल में मोस्टली व्हाट वी हैव सीन कि डैट आपका लक के बेसिस पे ड्रॉ में नाम आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आता तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड है। बट मैनेजमेंट कोटा के अंदर क्या होता है कि डैट आपको यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा प्रीमियम टू द बिल्डर जिस जब भी आपको एक मैनेजमेंट कोटा के अंदर कन्फर्म अलॉटमेंट मिल जाता है। सो अगर आप भी गुड़गांव के अंदर एज अ लाइक किराए पर रह रहे हैं या किराए का सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं एज अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज़, देन आई वुड से कि डैट मैनेजमेंट कोटा आप ले सकते हो, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। एंड सेकंड, इस मैनेजमेंट कोटा के अंदर बिल्डर आपका लेआउट भी काफ़ी अच्छे निकालता है। जैसे आपका एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट दे दिया, 2 लिफ्ट दे दिया, सो कहीं ना कहीं जिस चीज़ का बिल्डर प्रीमियम ले रहा है वो चीज़ आपको दे भी रहा है। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है मार्केट के अंदर, आज एक ट्रेंड चला हुआ है कि सर कोई बिल्डर आपका 10 मांगता है, कोई बिल्डर आपका 20 लाख मांगता है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि कौन बिल्डर सही मांग रहा है सही नहीं मांग रहा है। सो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जो बिल्डर आपसे प्रीमियम मांग रहा है वो चार्ज कर रहा है अपनी लोकेशन का, जिसकी जैसी लोकेशन वो ऐसा पैसा मांगता है, कोई 20 भी मांगता है, कोई 25 भी, एंड कोई अगर गंदी सी लोकेशन है वहाँ पे आपका बिल्डर 4 लाख रुपये तक भी ले रहा है। सो लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप पर्टिकुलरली मैनेजमेंट कोटा के अंदर देख रहे हैं या अफोर्डेबल सेगमेंट में देख रहे हैं जो कि आपका नया अभी लेटेस्ट आ रहा है बाय द नेम गंगा रियलिटी ततास्तु, देन आई वुड से कि डैट विल टेल यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, ड्रॉ में जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू टाइप AFF, विल शेयर यू एफिडेविट एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हैं तो देन यू हैव टू टाइप मैनेजमेंट कोटा एंड विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द मैनेजमेंट कोटा। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मैनेजमेंट कोटा। एंड आपका ड्रॉ में विद इन अ वीक गंगा रियलिटी का प्रोजेक्ट आपका लाइव होने वाला है। सो लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया, आप लोगों ने जितनों ने भी मुझे कॉल करी है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। विल गिव यू माई बेस्ट सर्विस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एंड जैसे ही ड्रॉ में नाम आता है विल गिव यू ऑल द अपडेट्स, आप टेंशन फ्री रहो। एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन बिलो नंबर। एंड अगर इसके अलावा गुड़गांव में आप कुछ और भी देख रहे हैं लाइक एनीथिंग अबाउट कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट या SEO प्लॉट, देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स एंड ऑल द इनसाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।